भाई साहब नहीं 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 बउआ, मेरे को ना फुंदक चल रहा है, कसम से कह रहा हूँ। क्यों? बंद कर इसको, जितना जल्दी खरीदा ना मैं बेच दूंगी, कसम से कह रही हूँ। मैं बहुत फुंदक चल रहा है, मैं बाइक बुक सब बेच बूझ के हटा दूंगी मैं। क्यों? ओए भाई साहब, गजब की राइड है भाई, गजब की राइड। इतना हाइपर नहीं चला मैं। तो यहाँ से हमको ना और लोग मिल गए, अब चल अपन नहा को यार, ट्रैक मोड में क्या ही करूँ, 10,000 हो गए कंप्लीट भाई। यही होता है पंगा, यहाँ पे टावर वगैरह आया नहीं रे, कैसे हमारे पास है नहीं, सारा पैसा ऑनलाइन है, तो भाई पेट्रोल नहीं डल पा रहा। बाकी आज के जो राइडर्स मिले ना, बहुत गजब मिले बे, इनके मतलब चैनल भी हमसे काफी ज्यादा बड़ा है। एंड इसके इन लोगों के पास बाइकें भी अच्छी अच्छी है, 2 KTM RC, 1 RS और 1 NS, पता नहीं कौन सी बाइक है। बड़े आगे देखते हैं ये लोग चलाते कैसे, मैं तो शुरुआत में पीछे ही रहने वाला हूँ, क्योंकि यार मुझे कुछ नहीं पता इन लोग का स्किल्स कैसे ड्राइव करते हैं, क्योंकि मुझे संदीप का तो पता ही है। सो ये चेक करो अपनी MT50 RS 200 RC 200 और पीछे अपना RC 390। यही है सीन, मुझे तो भाई पीछे ही रखना पड़ेगा इसके। भाई मैंने तो इसके पीछे ही लगा दी भाई साहब। वाह बच गया भाई साहब। नहीं 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 भाई, रोग में चली गई थी भाई साहब। भाई दोनों में रेस लग रखी है, देख रहे हो। भाई बहुत बहुत भयंकर यार, चिंगारियां निकल रही है भाई। कसम हमारे आगे कोई टिक सकता है क्या? गजब की राइड है भाई, गजब की राइड। इतना हाइपर नहीं चला मैं भाई, अभी तो इसको ना ट्रैक मोड पे लगाया ही नहीं मैंने, जब ट्रैक मोड पे लगाऊंगा फिर देखना तुम इसका हाल। अभी इतनी हाइपर होके चल रही है ना भाई, पूरा फुटरेस्ट घिसा दिए, कसम से फुटरेस्ट घिसा दिए भाई साहब। अभी तक की सबसे अच्छी राइड है वैन। खत्म भाई खत्म, और रे वैन चोद पूरा खत्म, ये देखो पूरा खत्म हो गया। अब तो मैंने लिमिट ब्रेक कर रखी है भाई, कसम से लिमिट ब्रेक कर रखी है हमने, संदीप भैया ने तो कर ही रखी है और मैंने खुद।
गलत ही लेवल के चलाते हैं भाई साहब। ऐसा मैंने तो देखा नहीं कोई R310 ऐसे चलाता है कोई। दोनों साइड को भाई चिंगारी ही निकल रही थी। रेवन मान गया तेरे को यार, तूने ना दिल खुश कर दिया। आई लव यू यार रेवन। आज ना सारी लिमिट ब्रेक हो चुकी है भाई, तुम्हारे भाई ने सारी लिमिट ब्रेक कर दी भाई। मैंने एक जगह रुक के तुमको ना अपने जूते दिखाता हूँ, इस कदर से घिस चुके हैं ना भाई, क्या कहने भाई क्या कहने। ओके रिपोर्ट है भाई, ओके रिपोर्ट। कहानी की शुरुआत हुई थी 60 किलोमीटर पीछे से, एंड यहाँ पे सारे भाई लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं अपने अपने घर। बाकी आज की राइड ना बहुत सुपर और हाइपर रही थी, बहुत मजा आया, पूरा हाइपर था भाई, पूरा हाइपर। ऐसा राइड मैं आज तक नहीं गया। ठीक है सर, ओके अभी यार इसी रास्ते में ना पीछे नाका लग रखा है, वहां से ना मैं कट मार के भाग गया, और मुझे पता नहीं अभी लगा है कि नहीं, अगर फिर लगा होता तो इस बार रोक देंगे भाई मेरे को, क्योंकि पिछली बार तो भाग गया था मैं कट मार, पिछली बार नहीं सिर्फ आते हुए, अब जाते हुए देखते हैं क्या सीन बनेगा। बस नाका हट गया हो यार वहां से, तो इस बार पकड़ लिया ना तो बिना गलती कोई फाइन काटेंगे, मुझे पता है कि खुंदक में होंगे, क्योंकि मैं भागा था कट मार के। आज जो हाइपर राइड हुई है ना भाई, क्या बताऊं मैं तुम्हें। आई नो यार आज के व्लॉग में ना उतनी ज्यादा वॉइस ओवर नहीं थी, क्योंकि यार सिचुएशन ही ऐसे थे, इतना हाइपर चल रहे थे, वॉइस ओवर करने कोई जरूरत ही नहीं थी भाई। बट आज का व्लॉग तो मैं कहीं से भी बेकार या फुद्दू लगाओ तो कमेंट सेक्शन में भर दो गालियां, जो मर्जी करो यार कमेंट आना चाहिए बस। ठीक है, काला बाल कौला बाला भुड़। ओके सर, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना अभी जूतों का और मेरे फुटरेस्ट का क्या हाल हुआ है भाई साहब। सो गाइस, हम लोग ना फाइनली हम बाल आ चुके हैं, एंड मेरा ना एक यार दोस्त आ रखा है भाई, पेवा से मिले तो उससे मिल करके चलेंगे। तुमने एक वीडियो में देखो यहाँ पे पॉपअप हो रही, इस वाले वीडियो में गया था उससे मिलने, एंड आज वो खुद आया है, तो भाई मैं गलत टाइम पे ही चला गया, क्योंकि उसने आने से पहले बताया नहीं, एंड मैं भाई चला गया अलग ही। एंड आज का वॉइस तुम मुझको बताओ राइड कैसा लगा, मेरे तरफ से इतनी हाई पर राइड थी, क्या कहने भाई इस राइड के, बहुत हाई पर राइड थी। और भाई फाइनली अभी घर पे आ चुका हूँ, एंड मैं तुम्हें सबसे ज्यादा सबसे पहले ना अपनी अपाची दिखा देता हूँ, अपनी रेवन की हालत ये दिख रहा है तुम्हें, ये देखो ये ना यहाँ तक का रहा, यहाँ तक का, एंड अब घिस के यहाँ हो गया, ये देखो घिस गया बेचारा। बउआ मेरे को ना खुंदक चल रहा है, कसम से कह रहा हूँ। क्यों? बहुत खुंदक चल रहा है, मैं बाइक बुक सब बेच पूछ के हटा दूंगी मैं। क्यों? क्यों? ये जूता के क्या हाल बना रखा है तूने? ये 1000 रुपए के जूते के ऐसे बोलोगे? 1000 रुपए के जूते? 1000 चाहिए, 5 रुपया का जूता हो मेरे को, 5 रुपए का जूते से मतलब नहीं है। अगर उस टाइम तू गिरता तो तेरे पे क्या गिरता, वो गिरता टूट जाता। मैं जल्दी खरीदा हूँ ना, बंद कर इसको, जितना जल्दी खरीदा ना मैं बेच दूंगी, कसम से कह रही हूँ मैं। सो वो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म। आई होप सो तुम्हें ब्लॉग पसंद आएगा, एंड सब्सक्राइब करो, ऐसे ऐसे और ब्लॉग आने बाकी हैं अभी, भागते हैं फटाफट से, बाय।